दोस्तों अगर आप भी ड्रीम इलेवन के ऊपर टीमों पे टीमें बना दी लेकिन एक भी बार एक नंबर पे आपकी टीम नहीं आई है तो इस वाली वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ उन पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लोगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ गारंटी के साथ आपकी जो टीम है वो नंबर रैंक पे बहुत जल्द रैंक होगी। और वो पॉइंट क्या है सारा कुछ आपको इस वाली वीडियो के अंदर जानने को मिल जाएगा। और इस वाली वीडियो के एंड में जो पॉइंट बताऊंगा वो पॉइंट तो आपको खास तौर पर सुनना ही सुनना है, क्योंकि उस पॉइंट के बारे में कई लोगों को पता नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप ड्रीम इलेवन के ऊपर टोटल कितनी टीम बनाते हो, एक बनाते हो, दो बनाते हो, तीन बनाते हो या फिर पांच या दस बनाते हो, जो भी बनाते हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग टीमें बनाते हैं वो ज्यादा टीमें बनाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यार अगर इस कॉन्टेस्ट की मैं ज्यादा टीमें बनाऊंगा तो उनमें से एक ना एक टीम तो मेरी रैंक हो ही जाएगी। और इसी गलतफहमी की वजह से जो लोग होते हैं वो लॉस में चले जाते हैं, और वो भी एक बड़े लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि वो पैसे पे पैसे ऐड कर लेते हैं और ऐड कर करके वो इतनी सारी टीमें बनाते हैं और उनमें उनकी टीम में रैंक भी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो दिमाग का यूज नहीं करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो टीम में ज्यादा लगाएंगे लेकिन दिमाग का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो उनकी टीम में लॉस में जाएगी। और लॉस में जाने से आपको पता है कि वो जो बंदे होते हैं 1000-2000 तक के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं और कई सारी टीमें बना के हार के फिर वो छोड़ देते हैं ड्रीम इलेवन। लेकिन ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा टीमें लगाते हो तो आपकी जो टीम है वो एक नंबर पे ही आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे जो बंदे एक नंबर पे आते हैं उनकी क्या खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बंदे ज्यादातर टीमें नहीं लगाते हैं, वो केवल एक या दो टीमें लगाते हैं, ज्यादातर लगाएंगे फिर भी वो केवल तीन टीम ही लगाएंगे। और वो जो तीन टीम लगाते हैं वो तीनों ही टीम ऐसे लगाएंगे जो कि वो रैंकिंग भी कर जाएगी। और मैंने काफी बार ऐसा नोटिस भी किया है कि जो बंदा एक नंबर पे आता है वो केवल तीन टीम लगाता है, दो टीम लगाता है, एक टीम लगाता है, यानी कि वो कम टीम लगाने वाला जो बंदा होता है वो ही ज्यादातर एक नंबर पे आता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि आपको ज्यादातर टीमें नहीं लगानी है, आपको कम टीमें लगानी है लेकिन अच्छी टीमें और अच्छी देख देख के और प्लेयर के बारे में सारा कुछ इंफॉर्मेशन लेके ही आपको टीम को क्रिएट करना है। अब यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि काफी सारे जो लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं वो कैसे ज्वाइन करते हैं, वो ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि उस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने से पहले जो टीम आप बनाओगे उस टीम के जो खिलाड़ी है उन सारे खिलाड़ी का आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यार इन खिलाड़ी के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप ऐसे हवा में ही टीमें बना रहे हो। तो ये भी एक सबसे बड़ी गलती है बहुत सारे लोगों की, जो कि वो केवल लालच देख के ही अपनी टीम में लगाते हैं, बल्कि वो ये नहीं सोचते कि यार ये जो खिलाड़ी है ये कैसी परफॉर्म करेंगे और इनका परफॉर्म कैसा है, हेड टू हेड परफॉर्म कैसा है, सामने वाली जो टीम खेल रही है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कैसा है, सारी कुछ चीजें नहीं देखते हैं और टीम लगा देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको टीम के जो खिलाड़ी होते हैं उन खिलाड़ी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो खिलाड़ी है इस पिच के ऊपर कैसा परफॉर्म करते हैं और इस पिच का रिएक्शन क्या है, और ये जो पिच है ये बैटिंग करने वाले सेक्शन से खिलाड़ी को ज्यादा सपोर्ट करता है या फिर बॉलिंग वाले सेक्शन के खिलाड़ी को ज्यादा सपोर्ट करता है, ये सारी कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको टीम को क्रिएट करना है। यानी कि ये सारी की सारी चीजें जिसको पता होती है वही हमेशा एक नंबर पे आता है, और एक नंबर पे जो बंदा आता है वो भी आपको पता है एक बंदा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि लाखों लोग यहाँ पे टीमें बनाते हैं लेकिन उनमें से एक बंदा जो होता है उसी की टीम यहाँ पे रैंक होती है। अब यहाँ पे वो बंदा ऐसा डिफरेंट क्या करता है जिसकी वजह से वो बंदा रैंक हो जाता है, तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो बंदा एक नंबर पे आता है उसकी खास बात ये होती है कि वो क्या करता है, ज्यादातर लो परसेंटेज वाले सेक्शन से खिलाड़ी को लेता है अपनी टीम के अंदर। और लो परसेंटेज वाले सेक्शन से खिलाड़ी को लेने का मतलब ये होता है कि ज्यादातर लोग उनको ड्रॉप आउट करके चलते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर जो बंदा एक नंबर पे आता है वो क्या दिमाग लगाता है कि वो लो परसेंटेज वाले जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनमें से आधे खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर रख लेता है और जो भी हाई परसेंटेज वाले खिलाड़ी होते हैं उनको यहाँ पे ड्रॉप आउट कर लेता है। यानी कि जो बंदा एक नंबर पे आता है वो बंदा बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करके ही चलता है, क्योंकि उसको पता ही है कि इस वाले पिच के ऊपर बैटिंग वाले सेक्शन से ज्यादा खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो वो बंदा क्या करता है, ज्यादातर बॉलिंग वाले सेक्शन से खिलाड़ी को रखता है, क्योंकि वो पिच के बारे में भी उसको पता होता है। तो वो क्या करता है कि बॉलिंग वाले सेक्शन से खिलाड़ी ज्यादा रखता है, क्योंकि उसको पता है कि यार बॉलिंग वाले सेक्शन से ही सारा का सारा परफॉर्म आएगा। तो इस चीज का भी उस बंदे को पता होता है,
इसलिए वो बंदा क्या करता है, लो परसेंटेज वाले सेक्शन से, बॉलिंग वाले सेक्शन से खिलाड़ी ले लेता है और इस तरीके से वो एक नंबर पे आ जाता है और वो अपनी टीम को मेगा ग्रैंड लीग भी जिता देता है। अब ये जो चीज़ है ये सारे लोगों को पता नहीं होती है और वो ऐसे ही टीमें बनाते हैं तो उसकी जो टीम है वो रैंक भी नहीं हो पाती है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही आपको टीम क्रिएट करनी है। अब इन सारी चीज़ों का जिसको पता होता है तो वो तो अपनी टीम को रैंकिंग करवा लेते हैं और मेगा ग्रैंड लीग भी विनिंग कर लेते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं होता है वो लॉस में ही चला जाता है और वो अपना लॉस भी कवर नहीं कर पाता है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। अब मैं आपको एक बोनस पॉइंट दे देता हूँ जिसकी वजह से आप लॉस भी कवर कर पाओगे और थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर पाओगे और थोड़ी बहुत विनिंग भी आपकी हो जाएगी, यानी कि आप जो है वो अच्छा खासा रिकवर कर लोगे अपना लॉस को। अब यहाँ पे एक मैच के कई सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, जो सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है उनको ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि उनके अंदर आपको पता है कि जो स्पोर्ट होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कंपटीशन के अंदर आ जाते हैं और वो विनिंग नहीं करते हैं क्योंकि स्पोर्ट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपको पता है कि इतनी स्पोर्ट के अंदर से निकलना पड़ता है तो काफ़ी सारे लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है, छोटे छोटे जो कॉन्टेस्ट है उनको ज्वाइन करना है जिसके अंदर आपको 33 वाला भी आता है और यहाँ पे 40 रुपये वाला भी आता है और यहाँ पे स्पोर्ट कम देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे एक नंबर पे आना काफ़ी सरल होता है क्योंकि कम कॉन्टेस्ट होते हैं, यानी कि 8-10 लोग ही होते हैं, तो 8-10 लोगों में एक नंबर पे आना कुछ बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे आप आराम से कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बोनस टिप्स थी जिससे आप अपना लॉस रिकवर भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही ड्रीम इलेवन के ऊपर टीम बनानी है और जो बोनस पॉइंट मैं आपको बताने वाला था वो बोनस पॉइंट यही है जिसे आप आराम से रिकवर कर सकते हो अपना लॉस। अगर आप लॉस कवर कर लोगे तो आप ड्रीम इलेवन के ऊपर जो मेगा कॉन्टेस्ट है उसके अंदर भी टीम क्रिएट कर सकते हो। तो इस वाली वीडियो के अंदर जो पॉइंट और जो चीजें मैंने आपको बताई है ये सारी चीजें अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो आप जो है वो ड्रीम इलेवन के ऊपर लॉस में नहीं आओगे और जो चीजें मैंने फर्स्ट के अंदर बताई थी उन चीजों के ऊपर अगर आप काम करते हो तो भाई आप मेगा ग्रैंड लीग भी जीत सकते हो। तो गाइस ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वाली वीडियो के अंदर बस इतना ही और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।